हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशारा में स्वागत है तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों आपको पता होगा जो आपका लेखपाल का एग्जाम होता है यानी कि जो लेखपाल का आपका एग्जाम होने वाला है दो हजार बाईस में उसमें दोस्तों मैथ से आपके पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से पच्चीस क्वेश्चन आपके आते हैं पच्चीस मार्क्स के तो दोस्तों अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्तों यहाँ पच्चीस में तेईस चौबीस क्वेश्चन आप आराम से सही, सही कर सकते हो करना क्या होगा दोस्तों पता होगा आपको मैथ इसमें पांच पांच में डिवाइड होगा एक दोस्तों होगा आपका अंगणित एक दोस्तों होता आपका बीजगणित एक होता आपका रेखागणित एक दोस्तों होगा आपका सांख्यिकी और एक दोस्तों होगा आपका डीआई ठीक है तो सो तो तो इस तरह से पांच पार्ट हम आपका मैथ डिवाइड होगा इन पांच पार्टों से मिलाकर आपके टोटल पच्चीस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो देखिए दोस्तों अगर बात की जाए अंग्रेस की दोस्तों ये पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया हुआ है जो चैप्टर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इसको आप देख सकते हो साथ ही बीजेपा कराया हुआ है साथ ही आपका सांख्यिक कराया हुआ है अब देखिए दोस्तों बचते हैं आपको रेखा कर डी तो दोस्तों इनको भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा अगर दोस्तों केवल आपने हमारी वीडियो देख ली इन सब चैप्टरों की तो यकीन माने कि आपके पच्चीस में से कम से कम आप बाईस तेईस क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके आओगे क्योंकि दोस्तों जिस पैटर्न पर हमारे वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे उस पैटर्न से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है क्योंकि देखिए होता क्या है दोस्तों जैसे आपको जीएस है अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आप दस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो अभी आपकी गारंटी नहीं है कि आप जीएस में सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखिए मैथ में तो जो चैप्टर है आपके सिलेबस में है अगर आप पाँच टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो लगभग पाँच टाइप के तो समझ लो आपका पूरा मैथ उसमें जो आपका कवर हो जाएगा तो इस तरह से आप इनको देख सकते हो तो दोस्तों इन सारे चैप्टर लिंक जो आपका वीडियो नीचे मिल जाएगी वहां पर जाकर आप देख सकते हो अगर दोस्तों हमारे चैनल से आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो बात करें अगर अंगड़ित की रेखागणित और सांख्य की सॉरी और डी इन तीनों के लिए दोस्तों आप पढ़ सकते हो एस डी यादव की बुक ठीक है क्योंकि दोस्तों इसमें फायदा क्या है इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस की एस डी आदव में और जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ अच्छे से तैयार होगा और बस अब दोस्तों बीजगढ़ और आपका सांख्यिकी है तो दोस्तों इनके लिए हमारा वीडियो आप देख सकते हो क्यों दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे बीजगढ़ में जो कि आपका इस बुक में सही से नहीं दे रखे और सांख्यिकी का खैर आपका इस बुक में दे नहीं रखा है तो सांख्यिक दोस्तों टोटल तो 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 तीन वीडियो हमारे चैनल मिल जाएंगे आपको तीन वीडियो उन तीन वीडियो से बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है तो इन सबको आप देख सकते हो और दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग